हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए क्या कर रही है, क्या कर रही हो? बताना है खाना। गुड मॉर्निंग तो बोलो। गुड मॉर्निंग। आज प्रियांशी को उठाना नहीं पड़ा फ्रेंड्स, जल्दी उठ चुकी थी एंड उसको एक चैलेंज मिला है, तो देखते हैं आज तो उसका फर्स्ट डे है, कितना दिन तक वो चलता है। 15 डेज का ली है। हाँ, डेली रूटीन सूट हो रहा था, वो 15 डेज का ली है। 21 डेज का लेना था लेकिन 15 डेज का ली है। पता नहीं उसमें वो सक्सेस हो पा रही है कि नहीं। 15 डेज का तो फिर जाके 1 महीने का लोगे। तो आज तो उठ गई, कल क्या करोगे? कल भी उठूंगी। ऊपर जाओगे सन को देखने? क्लाउडी स्काई रहेगा तो नहीं, आज क्लाउडी भी था, थोड़ा फॉग था ना। क्लाउडी रहेगा तो सन थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा होगा। फोटो जैसे भी वो खींचना ही है उनके साथ। तो मैं अगर कहता कि मैं शाम को करूँ तो ऐसे घंटा पकड़ घंटा वैसे दिखा दूंगी और वो डोर डालूंगी। 6 बजे होगा घंटा में। और तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ चाय पीने। मैं इसका शूटिंग के चक्कर में अभी तक चाय नहीं पी हूँ एंड प्रियांशी तो अपना सारा काम कर चुकी है डेली रूटीन के वजह से, और उसके पापा भी चाय पी लिए। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। और वो साइकिल चलाने भी नहीं गए, प्रियांशी बेचारी अकेली गई और उसकी लिया को भी खाना दे के आ चुकी है। और वो लिया के बच्चे ना ठंड के वजह से निकले नहीं हैं, सो गए हैं। वो लोग थोड़ा लेट राइजर हैं, जानते हो। मेरे जैसे उनको थोड़ा उठना चाहिए, मैं तो हमेशा जल्दी उठती। चैलेंज लिए फ्रेंड्स, पहले जल्दी उठती थी प्रियांशी, उठती थी जल्दी, बहुत जल्दी उठती है, स्कूल जाती थी तब। अब जब से लॉकडाउन हो गया भी थोड़ा थोड़ा जल्दी उठती थी, अब जब सर्दी बढ़ गया है थोड़ा थोड़ा ज्यादा लेट हो रहा था, तो इसीलिए उसको ये चैलेंज मेरा भाई ने दिया है ताकि वो चैलेंज पूरा करे तो उसका हैबिट फिर से। सुंदर थी, सुंदर हूँ, सुंदर रहूंगी। इससे आप लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सीख सकते हैं। हाँ, जल्दी नहीं, जल्दी उठती थी दोपहर, जल्दी नहीं उठती है अभी। चाय लाओ भी, चाय। हाँ ला रहे हैं। यहाँ यह ट्रेन है क्या? ट्रेन चल रहा है। चलो भाई चाय। अजी मिल्क फ्रेंड्स, आज हर एक मिल्क वाला गाड़ी आया था, क्या बोल रहा था बताओ। मिल्क वाला गाड़ी बहु खीरनियो कैसे बोल रहा था? खीरा गाड़ी असीला मिल्क कट। प्रियांशी उसको बोल रही कि बहु खिलौना लो, ऐसे बोल रही थी। जाए, 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 ले रो, जाए, जाए। फ्रेंड्स, मैं मतलब मेरा काम कर चुकी हूँ, इसमें मैं अपना आप लोगों का कमेंट रिप्लाई कर रही थी। खाना मतलब आज बस मैंने दाल चावल बनाई थी, इसके पापा बोले कि उनको खाना लेके जाना नहीं है, तो मैंने चिली पनीर जो कल बनाई थी वो प्रियांशी के लिए है और मेरे लिए थोड़ा गोभी का सब्जी भी है। तो एक्चुअल में ये अगर मुझे सुबह जल्दी बोल देते ना तो मैं और मतलब दाल चावल आज बनाती ही नहीं, लेकिन बना दी हूँ। तो इन देखिए चिली पनीर प्रियांशी का थोड़ा सा है और ये मूली का साग को मैं उबाल दी हूँ, इसको मैं बनाऊँगी अभी। एंड दाल भी छोंक लगाना है, खाली दाल चावल भी बना दी थी, इतने देर तक खाना तो बनाना नहीं है बोल के। अभी मैं क्या करूँगी, इसको बोलते हैं हम लोग अमूल, आम का पापड़ी जैसे सूखा वाला होता है, उसको मैंने पानी में भिगो दी हूँ। और ये चटनी का पत्ता है, धनिया का पत्ता है, इसमें मैं ये अदरक लहसुन ये सब दे के मैं एक चटनी बनाऊँगी। वो चटनी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन वो प्रियांशी को अच्छा नहीं लगता। प्रियांशी ना वो चटनी भी धनिया की चटनी खाती नहीं है, खट्टा, उसको बस दही नहीं तो नींबू चाहिए चावल के साथ, वो कोई भी चटनी ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए वो क्लास कर रही है अपना, लास्ट क्लास है ना। ओके, तो मैं वो जो साग में ना थोड़ा सा सरसों, राई और मूंगफली ये सब ग्राइंड करके मैं देती हूँ मूली का साग बनाने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोग कैसे बनाते होंगे। तो अभी उसका लास्ट क्लास है तो काम ख़त्म हो जाएगा, क्लास ख़त्म तो हम खाना खाएंगे, तो मैं चलती हूँ साग बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं उठ के चाय पी चुकी हूँ। प्रियांशी का क्या एडिटिंग की पता नहीं, टीवी देख रही थी, टॉकिंग एम चला अभी तक। और इसके पापा गए थे किसी गांव में मतलब अपने काम से, तो
इतना सारा वेजिटेबल उनको मिला है वहीं से दिए हैं वो, मतलब फार्मर लोग। तो देखिए हमारा घर कैसे बन गया है। ब्रोकोली भी छोट मिला है, मूली मिला है, इनमें से थोड़ा हम निप्पी दीदी के घर को दे देंगे। इतना ज़्यादा तो रख के हमारे फ्रिज में भी जगह होगा नहीं, लेकिन ये बाहर रह जाएगा। बाहर रख देने से भी ये रह जाएगा गोभी, सर्दियों का मौसम है ना फ्रेंड्स, इसीलिए। लेकिन प्रियंशी को बस पत्ता गोभी पसंद आ रहा है और फूल गोभी नहीं। और ये एक साग है और उसकी ट्यूशन चल रही है। मैं सब्जी दिखा रही थी फ्रेंड्स लोगों को मेरा, सब्जी को सारा एक पास रखूंगी। क्लास करो, मुझे तो इतना सब्जी हो गया है तो मुझे मन लग रहा है मैं क्या बनाऊं और क्या ना बनाऊं। सोच सोच के ही थक जा रही हूँ। सब्जी ही सब्जी है हमारे घर में आज, और कभी कभार तो सब्जी होता भी नहीं है बिल्कुल से। और क्या बनाएंगे, मतलब सब्जी ना हो तो भी टेंशन, और इतना सब्जी हो भी तो टेंशन। अच्छा कि हैं फूलगोभी कम लाए हैं, क्योंकि फूलगोभी दोनों बाप बेटी को पसंद नहीं आ रहा है, बस पत्ता गोभी ही खा रहे हैं ये दोनों। तो इसीलिए ये एक दूसरे प्रकार का साग दिए हैं उन लोगों ने। क्या साग बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये बथुआ साग बोल रहे हैं। तो इसको एक दिन बना के देखेंगे कैसे बनाते हैं, मैं ये आंटी को पूछूंगी और फिर मैं कल बनाऊंगी नहीं तो ये साग। आज तो मैं मूली का साग बनाई हूँ दोपहर को, इतना टेस्टी लगा मुझे तो पूछिए मत। लेकिन प्रियांशी तो खाई नहीं ना, उसको कैसे पता चलेगा कि साग का क्या ये रहता है, मतलब कितना न्यूट्रिएंट प्रोटीन ये सब रहता है साग में, कितना अच्छा रहता है, उस प्रियांशी को तो पता ही नहीं है। बस वो पालक पनीर खाना जानती है और कुछ नहीं। मम्मी क्या कर रही हो? रोटी, हमारी फैमिली के इम्पोर्टेंट सदस्य लिया के लिए। आज हम चावल खा लिए तो उन लोगों के लिए रोटी बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा डिनर होने के बाद मैं अभी जा रही हूँ लिया के पास, उसको उसका डिनर दे, वो जो बहुत गर्म है डिनर देने। तो हम लोग ना चलते हैं लिया को उसका डिनर देने। पॉप्स, हेलो रोटी। मम्मी के पास कैसे जा रहे? कम पप कम। हाय, ये मेरे को सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिसका गले में है। हाँ लिया, फूड फूड लिया। तुम लोग पप्पू, आप लोगों के पास आ स्माइल। मेरा हाथ खाना नहीं है, स्माइल चला गया। उन लोगों का शायद पेट भरा है, लिया का भी पेट भरा है, इसलिए वो लोग दिए होंगे शायद। हाँ, इसलिए सोई है। ये भूखे हैं, ये भूखे थे तो खा रहा है, बाद में आएंगे। कितना क्यूट से खा रहे हैं। और ये व्हाइट बैंड और ये बीच वाला, इन दोनों का ना हमेशा लड़ाई होता है, हमेशा एक पीस के ऊपर। गुड नाइट, कल सुबह मिलूंगी तुमसे। देख के कोई गाड़ी आने से नीमो। नीमो मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लग रही है, आई एम सॉरी। अरे इससे सर मत हिलाओ, खाना दे रही हूँ। हाँ नीमो, तुम्हारा खाना आ रहा है। हैप्पी डे ना। और गूंथो गूंथो, और मेरा आज डेली रूटीन सब रख रख के मेरा पूरा इवनिंग ये इधर है इधर है, और फ्रिज हमारा पूरा ना भर गया है, इतना सारा भर गया। पापा बोल रहे थे कि हम एक सब्जी का दुकान खोलेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलो पापा से।
पेरेंट्स प्रियांशी सोने जा रही है। हाँ, एंड मेरा डेली रूटीन शूट हो गया। अभी टाइम हो गया है 10:20 ऊपर हो गया। प्रियांशी का 10:30 के अंदर सोना है ना, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट, कीप वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थंडोरी है तो अपने रजाई के अंदर सारे खुश जा, और आप मेरे रजाई में एंटर नहीं। जा रही हूँ, मेरा काम है। बाय बाय। सो फ्रेंड्स, प्रियांशी सोने चली गई और मेरा अभी एडिटिंग का काम होगा, तो मैं लैपटॉप ऑन करूँगी और जो शूट हुआ है वो डाटा ट्रांसफ़र कर। सो मेरा व्लॉग भी एंड कर देते हैं। गुड नाइट, कीप वॉचिंग, बाय बाय।